नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लॉर्ड्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम बात करने वाले हैं, ये जो HSC जो है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, इसके द्वारा हाल ही में बहुत सारे नोटिस जारी किए गए हैं। और अगर आप इन सभी के सभी नोटिस को देखना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो घंटी वाला आइकन है इसे दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो इस समय जब ये जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जो है, इनकी मेन जो वेबसाइट है, हम इस पर हैं, इसे सर्च करके आप इनकी वेबसाइट पर आ सकते हैं, या फिर इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप इनकी वेबसाइट पर आ सकते हैं। जैसे जब आप इनकी वेबसाइट पर आओगे तो पब्लिक नोटिस में आपको ये सभी महत्वपूर्ण नोटिस दिखाई देंगे। तो कौन कौन से नोटिस है आप यहाँ पर देख सकते हैं। डिटेल ऑफ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ मिल राइट मैकेनिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स स्ट्रक्चर थ्योरी एडवर्टाइजमेंट 12-19 कैटेगरी 19। उसके बाद है डिटेल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ मैकेनिक कंप्यूटर हार्डवेयर स्ट्रक्चर एडवर्टाइजमेंट 12-19 कैटेगरी 40। नेक्स्ट जो नोटिस है ये रहेगा डिटेल ऑफ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल स्ट्रक्चर एडवर्टाइजमेंट 12-19 कैटेगरी नंबर 7 और एडवर्टाइजमेंट 12-19 कैटेगरी नंबर 7। नेक्स्ट जो यहाँ पर नोटिस आया है रहेगा कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट एडवर्टाइजमेंट 12-19 कैटेगरी नंबर 97 और ये आपके एडवर्टाइजमेंट और ये कैटेगरी नंबर है। उसके बाद रहेगा यहाँ पर सब इंस्पेक्टर मेल के लिए एडवर्टाइजमेंट 321 कैटेगरी 1 पार्ट 1 और ये आपकी जो एडवर्टाइजमेंट रहेगी और ये आपका जो कैटेगरी है। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो नोटिस रहेगा ये सब इंस्पेक्टर जो है मेल के लिए है, ये भी कैटेगरी नंबर 1 के लिए है। नेक्स्ट जो रहेगा ये सब इंस्पेक्टर फीमेल के लिए है। नेक्स्ट नोटिस है यहाँ पर मेल कॉन्स्टेबल कमांडो विंग एडवर्टाइजमेंट 221 कैटेगरी नंबर 1 के लिए। नेक्स्ट जो यहाँ पर नोटिस है ये असिस्टेंट ड्राफ्टमैन के लिए कैटेगरी नंबर 33 एडवर्टाइजमेंट है 14/19। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर, यहाँ से हम नेक्स्ट पेज कर लेते हैं और ये देख सकते हैं आप कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राफ्टमैन सिविल कैटेगरी नंबर 30 एडवर्टाइजमेंट 14/19। नेक्स्ट जो यहाँ पर नोटिस है ये कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर अकाउंटेंट क्लर्क कैटेगरी नंबर 12 एडवर्टाइजमेंट 14/19। नेक्स्ट जो यहाँ पर नोटिस है ये रहेगा डिटेल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर कैटेगरी नंबर 9 एडवर्टाइजमेंट 14/19। नेक्स्ट जो यहाँ पर नोटिस है कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल कैटेगरी नंबर 7 एडवर्टाइजमेंट 14/19। उसके बाद जो नोटिस आया है ये रहेगा लीगल असिस्टेंट कैटेगरी नंबर 6 एडवर्टाइजमेंट 14/19 में। और उसके बाद जो नेक्स्ट नोटिस है ये रहेगा पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट कैटेगरी नंबर 5 एडवर्टाइजमेंट 15/19। और नेक्स्ट है असिस्टेंट, ये असिस्टेंट की है कैटेगरी नंबर 11 एडवर्टाइजमेंट 14/19। और नेक्स्ट जो यहाँ पर नोटिस आया है ये रहेगा पोस्ट है यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट कैटेगरी 9 और एडवर्टाइजमेंट 15/19। उसके बाद जो नेक्स्ट जो नोटिस है ये आपका डिटेल ऑफ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ डिविजनल रेवेन्यू अकाउंटेंट क्लर्क 17 एडवर्टाइजमेंट 15/19। और उसके बाद जो नेक्स्ट नोटिस है ये रहेगा आपका पोस्ट वेटनरी लिव स्टॉक डेवलपमेंट असिस्टेंट VLDA का। तो नेक्स्ट पेज पर आप चलते हैं, यहाँ से नेक्स्ट पेज कर लेते हैं। और नेक्स्ट जो यहाँ पर आ रहेगा आपका ये वेलफेयर ऑर्गेनाइजर कैटेगरी नंबर 16 एडवर्टाइजमेंट 15/19। नेक्स्ट जो यहाँ पर ये डेंटल हाइजीनिस्ट के लिए है कैटेगरी नंबर 1 है एडवर्टाइजमेंट 15/19। उसके बाद जो नेक्स्ट नोटिस आया ये TB हेल्थ विजिटर कैटेगरी नंबर 7 एडवर्टाइजमेंट 15/19 के लिए है। उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पर नोटिस है ये MPSW फीमेल और एडवर्टाइजमेंट 15/19 कैटेगरी 4/20 के लिए है। नेक्स्ट जो इससे अगला जो यहाँ पर नोटिस आया है ये लेबोरेटरी टेक्नीशियन कैटेगरी नंबर 2 एडवर्टाइजमेंट 15/19 के लिए आया है। और नेक्स्ट जो इसके बाद नोटिस रहेगा ये टूल एंड डाई मेकर के लिए है एडवर्टाइजमेंट 12/19 कैटेगरी नंबर है 58। उसके बाद जो यहाँ पर नेक्स्ट जो नोटिस आया है ये मैकेनिस्ट ग्राइंडर स्ट्रक्चर और एडवर्टाइजमेंट 12/19 कैटेगरी नंबर 56। तो ये जो यहाँ पर 3 पेज में हाल ही में महत्वपूर्ण नोटिस जारी हुए हैं। तो हम इन सभी को जो नोटिस है इनको जो नहीं देख पाएंगे, तो हम पहले पेज वाले जो नोटिस है उनको देख लेते हैं। तो हम पहले पेज जो है उस पर चलते हैं। तो अब हम यहाँ पर पहला जो हमारा पेज है उस पर आ गए हैं और ये देख सकते हैं मिल राइट मैकेनिक। अगर हम सभी को देखेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो यहाँ पर आप इन सभी को देख सकते हैं जो आपकी पोस्ट है, आप अपने अनुसार। और डाउनलोड करने का लिंक यहाँ पर है।
ये आप देख सकते हैं यहाँ पर डिटेल ऑफ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट मिलराइट मैकेनिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स स्ट्रक्चर थ्योरी एडवर्टाइजमेंट 12-19 कैटेगरी नंबर 19। और यहाँ पर ये रोल नंबर दिखाए गए हैं, इनके रिटर्न में कितने हैं, स्कूटनी में एलिजिबल है या नहीं है, साइक्लो इकोनॉमिक्स के कितने हैं, टोटल कितने हैं, तो ये यहाँ पर इसमें दिखाया गया है। तो ये आप देख सकते हैं इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है या कितने मार्क्स यहाँ पर मिले हैं। तो इस तरीके से आप इन सभी का यहाँ पर देख सकते हैं। तो पेज यहाँ पर यह है इसमें 43। तो सभी काम नहीं देख पाएंगे, तो इससे अगला वाला जो यहाँ पर नोटिस था उसको भी देख लेते हैं। ये आपका मैकेनिक कंप्यूटर हार्डवेयर का है। तो इन सभी में जो यही मार्क्स दिखाए गए हैं, ये रोल नंबर है आपका, रिटर्न पास, रिटर्न के मार्क्स, स्क्रूटनी स्टेटस, साइको, टोटल, ये एब्सेंट, एलिजिबल है या नॉट एलिजिबल, एब्सेंट, नॉट एलिजिबल, तो ये यहाँ पर इसमें दिखाया गया है। तो ये आप इस तरीके से इन सभी को देख सकते हैं। तो हाल ही में जो है ये बहुत सारे नोटिस HSC ने जारी किए हैं, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट जो नोटिस है उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर नोटिस है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल स्ट्रक्चर के लिए है, और इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें भी जो यही बात सेम जितने भी ये तीन पेज के नोटिस थे इन सभी में यही बात दिखाई गई है। तो आप अपने अनुसार अपनी पोस्ट वगैरह चेक कर सकते हैं। तो स्किल स्ट्रक्चर की है यहाँ पर टोटल मार्क्स, स्क्रूटनी, साइको मार्क्स और टोटल एलिजिबल है उस पोस्ट के लिए नहीं, तो यहाँ पर दिखाया गया है और ये आप देख सकते हैं। तो ये जो हाल ही में महत्वपूर्ण जो अपडेट है HSC ने जारी की है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, इस प्रकार की जो महत्वपूर्ण अपडेट है उसको सबसे पहले पाने के लिए। पेज ज़्यादा होने के कारण हम सभी पेज को नहीं देख पाए हैं, तो आप इस तरीके से इन सभी पेज को देख सकते हैं। तो ये जो हाल ही में महत्वपूर्ण अपडेट थी। और दोस्तों इस प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।